वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाने वाले हैं एक अमेजिंग केक, वो बनाना एंड ड्राई फ्रूट से बनता है। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। ओके, केक बनाने के लिए सबसे पहले वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। ऑयल हाफ कप, वन टीस्पून वनीला एसेंस, वन टीस्पून विनीगर। नेक्स्ट अभी टू बनानास को स्लाइस करके ऐसे प्यूरी बनाया है, इसमें ऐड करके देते हैं। नेक्स्ट अभी ऐड करना है शुगर पाउडर। शुगर पाउडर करने से पहले 3/4 कप मैंने मेजर करके पाउडर किया है, अभी वो भी इसमें ऐड करके देते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसे अच्छे से विस्क मिक्स करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड ड्राई इंग्रेडिएंट्स एंड मेक श्योर टू सीव इट सो दैट लम्स नहीं फॉर्म होगा। मैदा ऐड करना है 1.5 कप। अभी ऐड करेंगे 1/2 कप मैदा। एंड ऑल्सो जब मेजर करते टाइम इसमें प्रेस नहीं करना है, बस स्कूप आउट करके उसे ऐसे करके लेवल में लेके आना है एंड ऐसे ही सारे इंग्रेडिएंट्स को मेजर करना है। अभी इसमें जो एक्स्ट्रा ऐसे जो दिख रहा है इसे फेंक देंगे। नेक्स्ट अभी ऐड करेंगे 1/2 कप कोको पाउडर। नेक्स्ट अभी ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। 1/4 टीस्पून सॉल्ट भी ऐड करके देंगे। Now the last ingredient, that is 1/4 teaspoon coffee powder. This is very optional. मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा coffee flavor ऐसा लगता है कि enhance करता है केक का taste. Mix करने से पहले 1/2 कप water add करेंगे। अभी अच्छे से mix करके देते हैं folding method use करके। विस्क नहीं करना है। तो ये हो गया है मिक्स। अभी इसमें ऐड करके देंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद का यूज कर सकते हैं। ईच 1 टेबल स्पून है। मैं यहाँ पे वॉलनट्स, आलमंड्स एंड पिस्ताशियोस सारे ऐसे चॉप किए हुए 1 टेबल स्पून यूज कर रही हूँ। इसे मिक्स करके देते हैं। ओवन मैंने प्रीहीट करने रख दिए हैं एंड बाय द टाइम ओवन प्रीहीट होता है मैंने ऑयलिंग भी कर दिया है एंड बटर पेपर मैंने ऐसे सर्कल शेप में पहले ही कट करके रख दिए थे। ये पेपर कटिंग ये सब मैं दूसरे एक वीडियो में बताऊंगी, इजी टिप्स एंड ऑल। अभी इसमें प्लेस करते हैं बटर पेपर एंड ये मिक्सचर इसमें पोर करते हैं। मिक्सचर मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, इसे टैप करके देते हैं, कुछ अगर बबल्स रहेगा एयर बबल्स तो निकल जाएगा। डिड यू हियर दैट, ओवन हो गया है प्रीहीट। चलिए अभी इसे बेक करके लेते हैं। केक रख दिया है बेक करने के लिए 40 मिनट्स के लिए।
देखते हैं 40 मिनट्स में बेक होता है कि नहीं, नहीं तो फिर थोड़ा और टाइम के लिए बेक कर देंगे। केक तो रेडी रेडी दिख रहा है, चलिए निकाल के देखते हैं अंदर से कुक हुआ है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कुक हुआ है कि नहीं। मैं नाइफ यूज़ कर रही हूँ देखने के लिए, क्लीन आया है। बीच में भी देखते हैं, क्लीन है। तो थोड़ा हर साइड में देखना बेस्ट होगा, वेरी क्लीन। दैट मीन्स अंदर से कुक हुआ है। सी, ये कुक हुआ है। अभी इसे रूम टेम्परेचर में ही ठंडा होने देते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि ठंडा होने के बाद ही पीसेस में कट करना, नहीं तो ये पूरा टूट जाएगा। केक रूम टेम्परेचर में ठंडा हो गया है, तो चलिए देखते हैं कट करके। ओके, नीचे इसका मैंने वो पेपर भी हटाया था। लुक एट दिस परफेक्ट स्लाइस गाइस, सॉफ्ट है अंदर से एंड कुक भी हुआ है। तो सब लोग ट्राई करना ये रेसिपी, ट्राई करने के बाद कमेंट्स में बताना कैसे था, अच्छा लगा कि नहीं। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द रेसिपी टू योर लव्ड वंस ऑल्सो। ओके।